छह साल बाद इस बर्फी वाली की हुई घर वापसी। बच्चन की पिक्चर से कनेक्शन बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस। इलियाना डिक्रूज अब भले ही हिंदी फिल्मों में नामी हो गई हों, लेकिन उनकी शुरुआत दक्षिण भारतीय फिल्मों से हुई थी और छह साल बाद उन्होंने फिर से साउथ में काम करना शुरू किया है। इलियाना करीब छह साल बाद तेलुगु फिल्मों में वापसी कर रही है। उनकी कमबैक फिल्म का नाम अमर अकबर एंथोनी है। नाम देखकर चौंकिए नहीं, क्योंकि न तो ये अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म का रीमेक है और ना ही सीक्वल। श्रीनु वाइटल के निर्देशन में बन रही अमर अकबर एंथोनी एक तेलुगु फिल्म है और इसमें रविवार तेजा लीड रोल में है। इस फिल्म में पहले अनु इमैनुअल को लीड रोल दिया गया था, लेकिन बाद में इलियाना ने उन्हें रिप्लेस किया। इस फिल्म की शूटिंग कुछ महीने पहले न्यूयॉर्क में शुरू हुई है। इलियाना ने ट्विटर के जरिए अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया है। इलियाना जल्द ही अमेरिका में होने वाले शूट में शामिल होंगी। अमर अकबर एंथोनी एक टिपिकल मसाला फिल्म होगी। इलियाना ने साल 2006 में तेलुगु फिल्म देवदासु से अपना करियर शुरू किया था। उसी साल उनकी 5 फिल्में रिलीज हुईं। इलियाना का बॉलीवुड सफर साल 2012 में आई फिल्म बर्फी से शुरू हुआ। अनुराग बसु की रणबीर कपूर प्रियंका चोपड़ा स्टारर इस फिल्म में इलियाना के काम को सराहा गया। उसके बाद से उन्होंने फटा पोस्टर निकला हीरो, मैं तेरा हीरो, रुस्तम, मुबारका और बादशाहों में काम किया। इसी साल उनकी फिल्म रेड भी रिलीज हुई है, जिसमें उन्होंने अजय देवगन की बीवी का किरदार निभाया था। इलियाना ने जब बॉलीवुड की तरफ कदम बढ़ाया तभी से तेलुगु फिल्मों में काम बंद कर दिया था। उनकी आखिरी फिल्म साल 2012 में आई पूरी जगन्नाथ की देवदुचेसिना मनसुलु थी, जिसमें रविवार तेजा ही उनके हीरो थे। पिछले दिनों इस तरह की खबरें थी कि इलियाना को अजय देवगन हर फिल्म के लिए रिकमेंड करते हैं। दरअसल अजय और इलियाना ने बादशाहों में भी साथ काम किया था और उस वक्त से ही खबरें आने लगी थी कि दोनों की अच्छी केमिस्ट्री है, इसलिए रेड में भी इलियाना शामिल हुई है। इलियाना ने इस बारे में तब साफ कहा था कि सच यही है कि अजय ने अब तक उन्हें सिर्फ एक फिल्म के लिए ही रिकमेंड किया है और वे है रेड, और इसमें भी उन्होंने मुझे ही कहा कि पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट पहले पढ़ो, अच्छी लगे तो करना,